हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल पर। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी मेरे परम मित्रों, और मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक आ रही होगी। बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग रोली, कृष्णा, सुरेश, रीचा, सबको राम राम। आवाज आ रही है ना? स्वागत इस लॉजिकल रीजनिंग की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है मेरे परम मित्रों, और इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका वेलकम। मेरे दोस्तों, पेपर वन और पेपर टू के लिए आप मेरे साथ में अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करना है। यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पे, तो आप मुझे फॉलो करें मेरे परम मित्रों, इससे आपकी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। किसी भी कैटेगरी में कोई भी आपका जानकार सब्सक्रिप्शन ले, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि रेफरल कोड आप राजेंद्र 10 यूज करें। ये 6 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग मैंने रखा है मॉर्निंग 7 बजे, सुबह 7 AM मॉर्निंग, सुबह 7 AM। तो ये 6 अप्रैल से नया बैच है 7 AM। इसमें टेस्ट मिलेंगे आपको, घर बैठकर पढ़ सकते हैं आप। अगर टाइम पे आते हैं तो लाइव क्लास लें, अन्यथा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। पोल सिस्टम है, नोट्स PDF, लाइव चैट, फीस है, फ्रंट चेयर पर बैठकर पढ़ सकते। टेस्ट में रैंक का पता लग जाएगा, डाउट सोल्व सेशन है। क्लास में आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसी फीलिंग आती है, टाइमली नोटिफिकेशन मिलता है, टाइमली कोर्स कंप्लीट होता है, और क्लास में आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। क्लास में टाइम से टीचर से भी आप राइज हैंड करके बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ में जुड़ने के लिए ये रेफरल कोड यूज करें राजेंद्र 10, इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे परम मित्रों। और ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर इस पे जानकारी ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पेपर वन और पेपर टू दोनों आपको कंप्लीट मिलेंगे, टारगेट दिसंबर 2022। जिन विद्यार्थियों का है कि मुझे जून या दिसंबर का एग्जाम देना है, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और यहाँ पे पेड कोर्स में 2 कोर्स मिलेंगे, आइकोनिक और प्लस। आइकोनिक सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी प्लानर होता है, जबकि प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, कोर्स शेड्यूल, अनलिमिटेड एसएस मिलता है। बेनिफिट सबसे ज़्यादा आइकोनिक में मिलते हैं, लाइव क्लास मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल कोच, डाउट सोल्व सेशन, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, बूस्टर सेशन, जबकि आपको प्लस में ये लिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए मैनेज यूर गोल में NTA UGC नेट डालें, आइकोनिक पे क्लिक करें, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। एड ए रेफरल कोड में राजेंद्र 10 डालना है और आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको प्लस लेना है तो प्लस पे क्लिक करें, एड मंथ सेलेक्ट करें, एड ए रेफरल कोड में राजेंद्र 10। इसमें अभी 10% का ऑफ, और 10% का ऑफ मिल रहा है आपको कॉइन से ऑफ मिल रहा है, ठीक है। स्पेशल क्लास और लाइव क्लास के फीचर्स देखो यहाँ पे अनअकैडमी ऐप पे। लाइव क्लास है, पोल का सिस्टम है, राइज हैंड का ऑप्शन है, क्लास मिस नहीं होती है, कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। ये बच्चे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने पिछले एग्जाम में नेट GRF क्लियर किया। सेशन को शेयर जरूर कर दें एक बार, सभी बच्चे शेयर करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में। अब बात करते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था मेरे परम मित्रों, हम पढ़ रहे थे प्रमाण। कल की क्लास में मैंने आपको प्रमाण के बारे में बताया था कि प्रमाण क्या होते हैं, तो मैंने ये बताया था आपको कि ज्ञान प्राप्ति के जो साधन होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के साधन ही प्रमाण है। और प्रमाणों में कितने प्रकार के प्रमाण हैं,
तो अपन ने बात करी थी, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है, उपमान प्रमाण होता है, अनुपलब्धि प्रमाण होता है, अनुपलब्धि प्रमाण होता है, और आपके अर्थापत्ति प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है, अर्थापत्ति प्रमाण है मेरे परम मित्रों, और एक आपके अनुमान प्रमाण है। ये सारे प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अब कौन सा कितने प्रमाण मानता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रमाण के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अपन ने कल बात करी थी प्रत्यक्ष प्रमाण की, प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में मैंने ये बताया था कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, द्वारा प्राप्त ज्ञान, इसके बारे में मैंने कल चर्चा कर ली थी। जैसे आंख देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकती है, आंख के द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नाक के द्वारा सूंघ कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कान के द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीभ के द्वारा स्वाद को चख कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और त्वचा के द्वारा स्पर्श करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नहीं, सीरियल में कविता याद करने की आवश्यकता नहीं है, इनको सीरियल में याद करने की आवश्यकता नहीं है, इनके मतलब को याद करने की आवश्यकता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझ में आए ना? तो अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछेगा याद रखना है। एक बालक बाजार में कुत्ते को भौंकता देख कर तेज तेज रोने लगता है, ये किस प्रकार का प्रमाण है, ये किस प्रकार का प्रमाण है ए प्रत्यक्ष, बी शब्द, सी उपमान, डी अनुमान। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसका है? प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है, यानी कि जब आप अपनी आंखों से देखते हैं किसी भी चीज को, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण होता है मेरे परम मित्रों, आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे शब्द प्रमाण क्या होते हैं। शब्द प्रमाण विश्वसनीय, विश्वसनीय व्यक्तियों के, विश्वसनीय व्यक्तियों के कहे गए शब्द या पवित्र 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 ग्रंथों में लिखे गए शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से
प्राप्त ज्ञान, विश्वसनीय व्यक्तियों के कहे गए शब्द, विश्वसनीय व्यक्तियों के कहे गए शब्द यानी कि प्रमाणिक व्यक्तियों के वचन, यहाँ पे क्या हो सकता है अर्थात, अर्थात प्रमाणिक व्यक्तियों के, प्रमाणिक व्यक्तियों के वचन और प्रमाणिक, प्रमाणिक पुस्तक कोमा ग्रंथ, ये किसके उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, शब्द प्रमाण का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, शब्द प्रमाण का उदाहरण है। अगर कोई प्रमाणिक व्यक्ति है और उसने कोई वचन कह दिया, कोई शब्द बोल दिए या उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रमाणिक व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का साधन या प्रमाणिक पुस्तक या प्रमाणिक ग्रंथ जो है उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का जो साधन है वो शब्द प्रमाण है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखी गई, रामायण, समझ में है ना, कालिदास, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है, ठीक है। और जैसे मूणोत नैन्सी, मूणोत नैन्सी राजरूपक ग्रंथ और एन सी ई आर टी की बुक, ये सब क्या है, समझ में है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले केंद्र सरकार के नियम अधिनियम, ये कौन से प्रमाण होंगे, शब्द प्रमाण। अरे भाई कोई भी नियम अधिनियम होते हैं, याद रखना है, कोई भी नियम अधिनियम होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई बुक्स हो, तो ये कौन से प्रमाण को दर्शाती हैं, ये शब्द प्रमाण को दर्शाती हैं, ठीक है। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, समझ में आया, तो ये सब शब्द प्रमाण के उदाहरण है, ठीक है। दोहे पढ़ते हो, जैसे माटी कहे खुमार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसो आए वो मैं रोंदूंगी तोय, तो ये क्या है, ये शब्द प्रमाण है। तो याद रखना है, जो शब्द प्रमाण होते हैं ये प्रमाणिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए वचन होते हैं और प्रमाणिक ग्रंथ या प्रमाणिक पुस्तकों में लिखे गए शब्द होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी, क्लियर है मेरे मित्रों, यस या नो, समझ में, कोई भी ऋषि, कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है प्रमाणिक व्यक्ति, क्लियर है क्या, क्लियर, नेक्स्ट, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी प्रत्यक्ष के आधार पर, आधार पर प्राप्त ज्ञान, किसी प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान, किसी प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान, यानी कि काले बादलों को देखकर, काले बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान, तेज वर्षा को देखकर
बाढ़ का अनुमान, बाढ़ का अनुमान पेपर देने के बाद नेट या JRF पास होने का अनुमान। जब तुम पेपर दे के आते हो, जब आप लोग पेपर देकर आते हैं, तो पेपर देने के बाद में आप अनुमान लगाते हैं कि मेरी नेट होगी या JRF होगी। समझ में है ना? आपको आइडिया लग जाता है कि मैं पास हूंगा या फेल हूंगा, लगाते हो ना अनुमान। पेपर देने के बाद में आप लोग अनुमान लगाते हो ना कि मैं नेट क्लियर होगी या मेरा JRF क्लियर होगा, या मैं पास हो जाऊंगा या फिर मैं फेल हो जाऊंगा। इसका जो अनुमान लगाते हो, यही अनुमान प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान, प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान, इस ज्ञान में ये ज्ञान 50-50 होता है। ये ज्ञान कैसा होता है? 50-50। ये जो अनुमान के आधार पर जो ज्ञान लगाया जाता है, ये 50-50 की कैटेगरी में आता है, या तो पास या फेल। समझ में आ गया होगा? तो काले बादलों को देखकर वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तेज वर्षा को देखकर बाढ़ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। पेपर देने के बाद में आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं कह सकते कि हाँ, श्योर नहीं हूं मैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये है आपका अनुमान प्रमाण। क्लियर है? उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण का अर्थ होता है एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेना। एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेना। जैसे एग्जाम्पल, गाय को देखकर नील गाय का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आज तक आपने नील गाय नहीं देखी, आज तक आपने नील गाय नहीं देखी, ठीक है, याद रखना है। हाँ, कविता किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हैं। आपने गाय देख रखी है, लेकिन आपने नील गाय नहीं देखी। आपने अपनी दादी से, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से बोला कि नील गाय कैसी होती है, तो आपके पिताजी, आपकी दादी ने बोला कि बेटा गाय की जैसी होती है, गाय की जैसी होती है, ठीक है। तो ये कैसा प्रमाण है? उपमान प्रमाण। इसमें हम क्या करते हैं? दो के बीच में तुलना करते हैं, दो के मध्य क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दो के बीच में क्या करते हैं? तुलना। जैसे राधा सीता से लंबी है, श्याम मोहन से होशियार है। कानू मानू से काला है। ये सब उपमान प्रमाण का उदाहरण है। ये सब किसका उदाहरण है? उपमान प्रमाण का। तो एक वस्तु के ज्ञान से दूसरी वस्तु का जब ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसे उपमान प्रमाण कहा जाता है। जैसे गाय को देखकर नील गाय का ज्ञान प्राप्त करना, और राधा सीता से लंबी है, श्याम मोहन से होशियार है, कानू मानू से काला है, ये सब किसके उदाहरण है? उपमान प्रमाण के उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। उपमान प्रमाण में हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, दो वस्तुओं के बीच में क्या करते हैं? तुलना करते हैं, आपको ध्यान रखना है। दो वस्तुओं के बीच में क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब बात करेंगे अर्थापत्ति
अर्थापत्ति प्रमाण। अब बात करेंगे अपन अर्थापत्ति प्रमाण। जब दो कथनों या तर्कों के मध्य विरोधाभास हो तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी कि सही ज्ञान प्राप्त करने हेतु किसी तीसरे तर्क का सहारा दिया जाता है तो उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। उसे कौन सा प्रमाण कहते हैं? अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। जब दो खतनों या दो तर्कों के मध्य विरोधाभास हो तो सही ज्ञान प्राप्त करने हेतु किसी तीसरे तर्क का सहारा लिया जाए तो उसे कहा जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे सीता दिन में नहीं पढ़ती है फिर भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो देखो, ये कह रहा है सीता दिन में नहीं पढ़ती है, तो विरोधाभास हो गई। और फिर कह रहा है दिन में नहीं पढ़ती है फिर भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि सीता दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ती है, पहली बात। दूसरी क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कह रहा है कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। तो मैंने क्या लिखा? जब दो खतनों या दो तर्कों के मध्य विरोधाभास है तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तीसरे तर्क का सहारा लेना पड़े तो वो होगा अर्थापत्ति प्रमाण। कैसे? जैसे सीता दिन में नहीं पढ़ती है, पहली बात। दूसरा विरोधाभास क्या है? कि दिन में नहीं पढ़ती है फिर भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो यहाँ पे तीसरा तर्क का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो रात में पढ़ती। तो हमने तीसरे तर्क का सहारा लेके सही ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो कब पढ़ती है? रात में पढ़ती है। याद रखना है, अपने तीसरे तर्क का सहारा ले लिया। तो ये तीसरा तर्क का सहारा ले लिया। नेक्स्ट, देवदत्त दिन में नहीं खाता है फिर भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा है। अब दोनों में विरोधाभास है। पहला, देवदत्त दिन में नहीं खाता। दूसरा, फिर भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा है। अब तीसरा निष्कर्ष निकाल दिया अपन ने कि वो रात में खाता है। ये देखो, तीसरा निष्कर्ष निकाल दिया, वो कब खाता है? रात में खाता है। तो ध्यान रखना है, देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी दिनों दिन मोटा होता जा रहा है, इसका मतलब वो कब खा रहा है? रात में खा रहा है। क्लियर? अब अगला है अनुपलब्धि प्रमाण। अभाव का ज्ञान प्राप्त
करना, अभाव का ज्ञान प्राप्त करना, अभाव का ज्ञान प्राप्त करना वो होता है अनुपलब्धि प्रमाण। जैसे निश्चित समय पर मंदिर में पुजारी का नहीं मिलना, मंदिर में पुजारी का नहीं मिलना और निश्चित समय पर विद्यालय में शिक्षक का नहीं मिलना, विद्यालय में शिक्षक का नहीं मिलना, ये किसका उदाहरण है? अनुपलब्धि प्रमाण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये अनुपलब्धि प्रमाण का उदाहरण है। क्लियर? यस या नो? ये है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण अभाव का ज्ञान प्राप्त करना अनुपलब्धि प्रमाण है, यानी कि एक निश्चित समय पर मंदिर में पुजारी का नहीं मिलना, निश्चित समय पर विद्यालय में शिक्षक का नहीं मिलना, ये किसका उदाहरण है मेरे परम मित्रों? अनुपलब्धि प्रमाण का उदाहरण है, अनुपलब्धि प्रमाण का उदाहरण है। अब कौन सा दर्शन कौन कौन से प्रमाण मानता है, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहां से एक चार्ट बनाएंगे कि कौन सा दर्शन कितने व कौन से प्रमाण मानता है, कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है। इस चार्ट को याद कर लेना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। इस चार्ट में से पक्का क्वेश्चन आता है, याद रखना है। यहां पे दर्शन, यहां पे मैंने लिख दिया दर्शन, समझ में है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण एक, अब ये पूरा चार्ट बनाएंगे और एक एक को देखेंगे। अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, और कुल प्रमाण। ठीक है, कौन कितने मानता है, एक एक को अपन देखने का प्रयास करेंगे। अब एक तरफ अपन दर्शन लिख रहे हैं कि कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण मानता है, जैसे चार्वाक दर्शन है, बोध दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है,
और इसके अलावा वैष्णो वेदांत है, जैमिनी वेदांत है, जैमिनी वेदांत है, और प्रभाकर और भट्ट मीमांसा, इनको अपन में अब जगह नहीं बची है तो अगले में ले लेंगे मेरे मित्रों। देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण चार्वाक भी मानता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण बौद्ध दर्शन भी मानता है, वैशेषिक भी प्रत्यक्ष को मानता है, जैन भी प्रत्यक्ष को मानते हैं, सांख्य भी प्रत्यक्ष को मानते हैं, योग भी मानता है, वैष्णव वेदांत भी मानता है, जैमिनी भी मानता है। और इधर मैं लिख दूं प्रभा कर मीमांसा और कुमारील, कुमारील भट्ट मीमांसा, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है और ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट याद रखना, चार्वाक हनुमान प्रमाण को नहीं मानता, जो चार्वाक है ये हनुमान प्रमाण को नहीं मानता, बाकी बौद्ध दर्शन मानता है, वैशेषिक मानता है, जैन मानते हैं, सांख्य मानता है, योग मानता है, वैष्णव वेदांत मानता है, जैमिनी मानता है, और इधर मेरे मित्रों याद रखना है प्रभाकर मीमांसा मानता है, भट्ट मीमांसा मानता है। ये सब प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, ये सब प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। क्लियर है क्या? अरे क्या चैटा चाटी कर रहे हो आज? बताओ क्या चैटा चाटी कर रहे हो, सब मजे ले रहे हैं आज? क्लियर? इसको चार्ट बना लेना। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं आपके सामने शब्द प्रमाण की, शब्द प्रमाण को चार्वाक नहीं मानता, बौद्ध नहीं मानते, वैशेषिक नहीं मानते, बाकी जैन मानता है, सांख्य मानता है, योग मानता है, वैष्णव वेदांत मानता है, जैमिनी वेदांत मानता है, और इधर मेरे मित्रों प्रभाकर मीमांसा मानती है, भट्ट मीमांसा मानती है। तो शब्द प्रमाण को कौन कौन मानते हैं और शब्द प्रमाण को कौन कौन नहीं मानते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे उपमान प्रमाण की, उपमान को प्रमाण कौन कौन नहीं मानते हैं। तो उपमान को ये प्रमाण नहीं मानते हैं, ये उपमान को प्रमाण नहीं मानते, उपमान को प्रमाण मानते हैं केवल और केवल प्रभाकर मीमांसा और भट्ट मीमांसा। उपमान को जो प्रमाण मानते हैं वो केवल और केवल प्रभाकर मीमांसा और भट्ट मीमांसा मानता है, बाकी कोई भी उपमान को प्रमाण नहीं मानता है। अर्थापत्ति को कौन मानता है, अर्थापत्ति को प्रमाण कौन मानता है, तो ध्यान रखना है अर्थापत्ति को प्रमाण, ये कोई भी अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानते, अर्थापत्ति को ये कोई भी प्रमाण नहीं मानते हैं, अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं प्रभाकर और कुमारील भट्ट, अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं प्रभाकर और कुमारील भट्ट, इनमें से कोई भी अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानता। अनुपलब्धि को प्रमाण कौन मानता है, अनुपलब्धि जो है याद रखना है, अनुपलब्धि को प्रमाण कौन मानता है, तो अनुपलब्धि की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो अनुपलब्धि को कोई भी प्रमाण यहाँ पे नहीं मानता, कोई भी प्रमाण नहीं मानता। अनुपलब्धि को प्रभाकर मीमांसा भी प्रमाण नहीं मानता, केवल और केवल कुमारील भट्ट मीमांसा यही प्रमाण मानता है, ध्यान रखना है। जो भट्ट मीमांसा है
अनुपलब्धि को केवल एक ही प्रमाण मानता है और कोई भी प्रमाण नहीं मानता है। संख्या देखो, चार्वाक कितने प्रमाण स्वीकार करता है? चार्वाक केवल एक प्रमाण मानता है। बोध कितने प्रमाण मानते हैं? दो प्रमाण मानते हैं। वैशेषिक कितने प्रमाण मानते हैं? दो प्रमाण मानते हैं। जैन कितने प्रमाण मानते हैं? तीन प्रमाण मानते हैं। सांख्य कितने मानते हैं? तीन मानते हैं। योग कितने मानता है? तीन मानता है। वैष्णव वेदांत कितने प्रमाण मानता है? चार मानता है। वैष्णव वेदांत कितने मानता है? चार। जैमिनी वेदांत, वैष्णव वेदांत चार नहीं, सॉरी, जो वैष्णव वेदांत है कितने प्रमाण मानता है? तीन मानता है। जैमिनी वेदांत भी कितने प्रमाण मानता है? तीन प्रमाण मानता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इधर देखो, ये कितने मान रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच। ये कितने प्रमाण मान रहा है? पांच। यानि कि प्रभाकर मीमांसा कितने? पांच। कुमारील भट्ट कितने मानती है? छह। कुमारील भट्ट कितने प्रमाण मानती है? छह। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैमिनी तीन, प्रभाकर पांच और भट्ट छह, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? यस या नो बताइए। बोलो क्लियर है। क्लियर है क्या? यस या नो, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे और लिख देता हूं मैं, यहां पे और बता देता हूं आपको, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन कितने प्रमाण मानता है और अद्वैतवाद कितने प्रमाण मानता है? अद्वैतवाद कितने प्रमाण मानता है? तो याद रखना है, न्याय दर्शन कितने प्रमाण मानेगा? तो न्याय दर्शन चार प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, अनुमान, ये प्रमाण नहीं मानता है। ठीक है, अद्वैतवाद कितने मानता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ये प्रमाण नहीं मानता। न्याय दर्शन चार और अद्वैतवाद पांच। नोट कर लेना, नोट कर लेना, जो न्याय दर्शन है आपका, ये चार प्रमाण मानता है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मानता है, जबकि अद्वैत आपके पांच प्रमाण मानता है। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। न्याय दर्शन जो है ये कितने? चार। चार प्रमाण मानता है, कौन कौन से? न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये मानता है। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को न्याय दर्शन प्रमाण नहीं मानता। अद्वैतवाद जो है ये शब्द, प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति सबको मानता है, छह मानता है। ये सारे अद्वैतवाद सारे प्रमाण मानता है, छह करना है इसको, पांच नहीं है, छह। एआई की क्लास भी लेंगे नेहा, इसके छह हैं, अद्वैतवाद के छह हैं, डीआई की क्लास भी लेंगे। क्यों, ये पढ़ लिया क्या आपने? लॉजिकल रीजनिंग वाला पूरा पढ़ लिया क्या? अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? इसको छह कर लेना, समझ में आ रहा है? ये डीआई की क्लास भी लेंगे। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग में वो कथन निष्कर्ष वाले एक बार आपको मैं बहुत अच्छे से और समझा दूंगा, इससे आपका मामला सेट हो जाएगा। लॉजिकल जो रीजनिंग वाले हैं ना, ये समझ में आ गए क्या सारे? ये सब बच्चे पढ़ लिए, फ्री स्पेशल क्लास में पढ़ाया था मैंने, पूरा पढ़ लिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। देखो, आपको मैं ये
20 अप्रैल तक ये करा दूंगा, फिर अपने पास में मई बचेगा। मई में मैं आपके YouTube पे दो पार्ट करा दूंगा, एक तो आपको DI करा दूंगा, डोंट वरी, मई में आपको एक तो मैं DI करा दूंगा, बहुत डिसेंट तरीके से DI करा दूंगा। DI की आपकी क्लास होंगी 10 से 15 क्लास में आपको मैं DI करा दूंगा मई के महीने में, टेंशन मत लो, ठीक है। और इसके अलावा मई में मैं आपको करा दूंगा IC या रिसर्च एप्टीट्यूड। और जो फ्री स्पेशल क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास में जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन ये पूरा कराने के बाद में मैं यहाँ पे भी एक नई यूनिट शुरू कर दूंगा। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको मैंने पूरा पढ़ा रखा है, हाँ, तो डेली अच्छी बात है ना, सवाल भी होते हैं। सवाल होते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन आया था, अभी आपको मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन सुबह में सांख्य दर्शन पढ़ा रहा था तो तुम्हारे नेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका एक क्वेश्चन सुबह में सांख्य दर्शन जो पढ़ा रहा था उसका क्वेश्चन है, मुझे उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो मैं कल आपको दिखाऊंगा उसका क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेने का, आपको बिल्कुल बिंदास रहने का, बिल्कुल मस्त रहने का। तो इससे आगे की बात अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से आप समझो, कल आपको हम कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन सिखाएंगे, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये सब रिविजन हो जाएगा आपका, वाक्य के प्रकार बताएंगे सारा का सारा, तो आपका पूरा मामला सेट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना 6 अप्रैल से नया बैच है, 6 अप्रैल से न्यू बैच। इसका टाइमिंग सुबह 7 AM कर दिया मैंने, मॉर्निंग सुबह 7 AM, टाइमिंग सेम है, सुबह 7 बजे। यदि आपको एनरोल करना है तो कैपिटल अक्षर में रेफरल कोड Rajendra10 यूज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, Rajendra10 यूज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।